नमस्कार दोस्तों, जवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली मुंबई जोन के ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में। आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम चले हुए हैं मुंबई जोन के, तो उसी के बारे में हम ये वीडियो डालने वाले हैं। अगर आपने मुंबई जोन से फॉर्म भरा है और आप कितने अटैम्प्ट करके आए हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर लगातार दी जाती है। देखिए, हम एक सेफ स्कोर की अगर बात करें मुंबई जोन की, जैसे कि मुंबई जोन है तो मुंबई जोन में इस बार कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहने वाला। दूसरी बात, मुंबई जोन का एग्ज़ाम जो है सबसे पहले आ चुका है, तो उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, और बाद में जो होगा उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि NTPC के तुरंत टाइपिंग के तुरंत बाद आपका मुंबई जोन का एग्ज़ाम हो चुका है। सबसे स्टार्टिंग में मुंबई जोन का एग्ज़ाम ही हुआ है। उसके अलावा देखिए, अगर हम तुलना करें NTPC के मुकाबले तो वहाँ की कट ऑफ सबसे नीचे मुंबई की गई है अभी फ़िलहाल, और इस तरीके से ग्रुप डी की भी कहीं ना कहीं ठीक ही रहने वाली है। इतना हाई लेवल का जोन हम इसे नहीं मान सकते, जैसे दिल्ली को हम एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में और नॉर्मलाइजेशन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके 65, 62 या 64 इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, मैक्सिमम 65, तो आपके चांस पूरे पूरे बनने वाले हैं, ठीक है। इतने मार्क्स पर आपके चांस आराम से बन जाएंगे। वहीं आपका OBC, तो OBC 61, 62 नंबर, इतने नंबर पर अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। इतने मार्क्स पर आप जो है आप बिल्कुल आराम से 60 के आसपास, 60, 62 नंबर, और ये आपके 63, 64, 65 नंबर, इनमें से इतने के आसपास आपके जनरल में हैं, तो आपको बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। EWS की बात करें तो करीबन 57, 58 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप आराम से इसमें सिलेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। 55 तक भी अगर आपके आ रहे हैं तो चांसेज आपके बन जाएंगे EWS कैटेगरी में। अगर हम बात करें SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी लगभग आपका 53, 54 नंबर, ठीक है, 54 नंबर, इतने नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं मैक्सिमम नंबर, यानी कि आपके 51, 52 नंबर तक भी अगर आपके आ जाएंगे तो अभी आप कहीं ना कहीं इसमें सेफ रहने वाले हो, ठीक है। ये एक इतना आंकड़ा, यानी कि इतने 50 से 55 के बीच में आप यहाँ पर जो है सेफ रहोगे। ST कैटेगरी की बात करें तो लगभग आपका 50 का मान के चलिए 48, 50 इंचेस इसके आसपास, इसी के पॉइंटों में भी, वो तो आपकी जब एक्चुअल कट ऑफ आती है तो पॉइंटों में भी आपके मार्क्स आते हैं, तो इतने के आसपास 47 नंबर, 46 नंबर, 48, यानी कि 46 से 50 के बीच के आसपास आपके नंबर बन गए तो आप आराम से इसमें सेलेक्टेड हो जाओगे। उसके अलावा PWD की बात करें तो लगभग 40 से 45 के बीच में, ठीक है, लगभग आपके 45, ठीक है, इतने अगर मार्क्स बन रहे हैं इसमें तो आपका बिल्कुल चांसेस है कि आप जो है सिलेक्टेड इसमें हो जाओगे, ठीक है। 42, 43 या 45, 46 नंबर तक आपका आराम से इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। तो मुंबई जोन ज़्यादा हाई लेवल का कट ऑफ नहीं रहने वाला है, इससे भी कहीं ना कहीं आपको नॉर्मलाइजेशन, मान लीजिए आपके नंबर आ गए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, आपके नंबर कहीं ना कहीं 57, 58 तक आ गए, तो और आपको 7 नंबर का, 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 10 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो आप जो है इसमें क्लियर कर जाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपके इतने एक्यूरेसी के साथ आप जो है अब आपने किए होंगे तो आपको पता ही चल चुका होगा, और जितने भी आगे स्टूडेंट हैं जो कोई मुंबई जोन से अलग देख रहा हो, तो मैं उनसे ही कहना चाहूँगा कि आप जो है अब अपना एक्यूरेसी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप अटैम्प्ट की गिनती मत कीजिएगा कि हम 90 अटैम्प्ट करकाए, हम 100 अटैम्प्ट करकाए, या हम 95, 80 अटैम्प्ट करकाए। आप एक्यूरेसी के साथ अगर आप 60 के आसपास नज़दीक पहुँच गए तो आप मान लीजिए आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हो जाओगे, क्योंकि तो इसमें क्या है, अटेंडेंस बहुत कम हो रही है, अटेंडेंस इसमें ज़्यादा नहीं है अब की बार, और पेपर का जो पैटर्न है वो लगातार हार्ड होता हुआ जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और बाकी जो काफ़ी लोग सिलेक्टेड हो गए, कुछ एग्ज़ाम छोड़ ही रहे हैं, बहुत सारे अगर दे भी रहे हैं तो सिर्फ कुछ चेक एग्ज़ाम का लेवल देखने के लिए जा रहे हैं, तो इस तरीके से जो है ज़्यादा इसमें आपकी भीड़ नहीं रहने वाली। आप तो जो है आपके अगर 60 नंबर के आसपास एक्यूरेसी के साथ बन गए हैं और आप जनरल कैटेगरी से हो, तो फिर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल के आपको बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद।